हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि बेस। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7 एंड टॉपिक इज इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट। व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज इन्वायरमेंट। हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो सब के हमारी इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल लैंड, वाटर, माउंटेन, बिल्डिंग। Environment is our basic life support system. It provides us air, water, food and land. Environment क्या है? हमारी basic life support system है। Means अगर हमारी environment हमारे आसपास नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि environment हमें क्या provide करती है? Air, water, food and land. That's why environment is our basic life support system. इन्वायरमेंट हमारी क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड करती है हवा, पानी, खाना और ज़मीन। देन नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर जो सराउंड करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशंस वी अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। And the natural environment refers to both biotic and abiotic condition which exist on the earth. Okay, तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर है जो सराउंड करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। और जो इन्वायरमेंट है ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना का। और नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर करता है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन को जो एग्जिस्ट है हमारी अर्थ में। तो पहला है बायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायोटिक। मीन्स जिसके अंदर जान होती है उसे क्या बोलते हैं? बायोटिक। लाइक एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज नोन एज अबायोटिक। जिसके अंदर जान नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक। द नेक्स्ट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. Human environment क्या show करता है? Activities, creation and interaction किसके बीच में? Human beings के बीच में। The next is natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. जो land है, water, air, plants and animals है, ये सब किसके अंदर आता है? Natural environment के अंदर। Means ये सब चीज़ें किस में शामिल है? नेचुरल इन्वायरमेंट में। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें और आती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। मीन्स लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। लिथोस्फीयर, सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। अर्थ की जो टॉप लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। सो लिथोस्फीयर किससे बनी हुई है? रॉक्स एंड मिनरल से, और कवर्ड है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लिथोस्फीयर कंसिस्ट करता है लैंड फॉर्म्स को, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। ओके, तो प्लेट्यूज क्या होता है? जो टॉप टेबल लैंड होता है वो प्लेट्यूज होते हैं। मीन्स जो ज़मीन से उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं प्लेट्यूज। वैलीज होती है दो माउंटेन के बीच में जो वादियाँ होती हैं उसे बोलते हैं वैलीज। ओके, देन एंड लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर क्या एक डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स की चीज़ के लिए, ग्रेजिंग के लिए मीन्स चारा के लिए, लैंड किस चीज़ के लिए? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए मीन्स ह्यूमन के रहने के लिए। एंड वी आल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर। और हमें लिथोस्फीयर से क्या मिलता है? मिनरल्स।
The next is hydrosphere. The domain of water is known as hydrosphere. Means पानी वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है, अर्थ का वो सारा पार्ट जहाँ पर पानी होता है. ओके, जहाँ पर पानी होगा उस डोमेन को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. सो डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. इसमें अलग अलग तरह के वाटर्स होते हैं, अलग अलग तरह के सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, अलग अलग तरह की वाटर्स बॉडीज होती हैं. लाइक एग्जांपल रिवर, लेक, सीज एंड ओशन. इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. एंड लास्ट इज एटमोसफियर. द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमोसफियर इज़ नोन एज एटमोसफियर. जो थिन लेयर होती है एयर की जो सराउंड करती है एटमोसफियर में, उसे क्या बोलते हैं? एटमोसफियर. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. और ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, और स्क्रॉचिंग हीट मीन्स बहुत जलने वाली जो गर्मी होती है उससे. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैस, डस्ट एंड वाटर वेपर. और ये कंसिस्ट करता है बहुत नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस चैप्टर. सो थैंक यू.